नमस्कार दोस्तों, ऑल इन चैनल में स्वागत है आपका। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, पैर के अंगूठे में जो खुरासी हो जाती है उसे हम खुरासी बोलते हैं, जो नोक के किनारे पे बहुत दर्द देता है, फूल भी जाता है वहाँ पे, तो उसका आसान और मात्र घरेलू उपाय बता देते हैं जो आप घर में अपने कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक चम्मच लेंगे, ये देखिए चम्मच को थोड़ा सा गर्म कर देंगे। गर्म करने के बाद इसमें क्या करेंगे आप, अच्छा वाला सरसों का तेल ले लेंगे। देखिए दो बूंद इसमें अच्छा वाला सरसों का तेल ले लेंगे। ये देखिए इस पर सरसों का तेल डाल लिए। अब इसको गर्म कर लेंगे, थोड़ा गर्म होने दें इसको। ये देखिए इसको गर्म करते रहें, थोड़ा गर्म होना चाहिए ये, ताकि थोड़ा लगे, लगना चाहिए, गर्म होना चाहिए। ये देखिए गर्म हो गया। अब कैसे ये हमारा बन के नुस्खा तैयार हो गया, आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल आसान और सरल उपाय है ये, आप अपने घर में खुद कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा नौबत आती है कि आप लोग ऑपरेशन करा देती है मात्र छोटी सी उपाय के, वहाँ नाखून जो थोड़ा सा बढ़ जाता है और नाखून को काट ले हल्का सा। अब ये नुस्खा आजमाएं, आपको बिल्कुल राहत मिलेगा इसे। और मिट्टी से थोड़ा बचाएं, साफ रहें। और ये नुस्खा कैसे इस्तेमाल करें मैं बता देता हूँ। जिस पैर में आपको दर्द है अंगूठे पे, उस पैर में साफ कर लें बढ़िया से, साबुन से पहले साफ, उसको कपड़े से पोंछ लें। पोंछने के बाद ये नुस्खा मैंने अपनी पत्नी पे आजमाया था, उसको बिल्कुल ठीक हो गया, काफ़ी दर्द से परेशान थी, लेकिन दो दिन किया मैंने, दम बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये नुस्खा मैं खुद अपने ऊपर आजमाऊँगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा दर्द होता है। ये देखिए मैं कैसे ये नुस्खा अपना रहा हूँ। ये देखिए अपने दोनों अंगूठा को ऐसे कर लेंगे, देखिए ये अंगूठा पे, ये नाखून पे, देखिए नाखून पे ये हो गया। इस पर आप गरम, पहले गरम देख लीजिए, गरम है, हाँ गरम है, तो इस पर आप डाल लेंगे इसे। देखिए देखिए मैंने दोनों नाखून पे डाल दिया है, नाखून को साफ कर लिया ब्लेड से, ये देख रहे हैं आप, दोनों नाखून पे डाल लिए, और डालते के साथ ही दर्द कम होने लगा। जो नुस्खा मैंने बनाया वो थोड़ा गर्म भी होना चाहिए, पैर को लगना चाहिए, और इसे छोड़ दें 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट छोड़ दें, आपको खुद राहत महसूस मिलेगा कुछ समय के बाद। ये नुस्खा कम से कम 2-3 दिन आजमा लें। अगर ये नुस्खा पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का घंटी बजा दें। धन्यवाद।